हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग वैकेंसी जो आने वाली है एलपी और टेक्नीशियन की, वो आपको कितना देखने मिल सकता है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और एलपी का सैलरी क्या 1 लाख प्लस होता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। और इसका कैरियर ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है और सैलरी कितना मिलता है एलपी, सीनियर एलपी, सारा प्रमोशन वाइज आपको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यह है कि क्या एलपी का वैकेंसी जो आने वाला है अप्रैल मंथ तक एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2023 में, तो क्या उसमें आपको वैकेंसी कितना देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2018 वाला वैकेंसी जो आया था उसमें आपका मतलब इनिशियल जो वैकेंसी आई थी एलपी और टेक्नीशियन की 26,000 वैकेंसी आई थी। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ दिनों बाद मतलब ये वैकेंसी को इन्हेंस कर दिया गया था, लगभग 64,000 वैकेंसी इसको कर दिया गया था। तो 2018 वाला वैकेंसी में बहुत ही अच्छा रेशियो देखने को मिला था, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का वैकेंसी इंक्रीज होने की वजह से रिजल्ट हो गया था, तो इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला था वैकेंसी। और 2014 में भी वैकेंसी 26,000 के आसपास देखा गया था। तो समझिए कि 2014 और 2018 को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो दोनों वैकेंसी में देखा गया था कि 20,000 प्लस ही वैकेंसी था। और 2023 में जो एक्सपेक्टेड अप्रैल तक वैकेंसी आने के चांसेस है, तो उसमें आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को मतलब बहुत सारे सीनियर जो लोको पायलट्स हैं उन लोग रिटायरमेंट उन लोगों का होने वाला है 2023-2024, ये सब में सारे बहुत सारे लोको पायलट रिटायरमेंट होने वाले हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि सारे जितने भी आरआरबी बोर्ड है, 21 आरआरबी बोर्ड, उसमें आपका लोको पायलट्स का रिटायरमेंट की वजह से क्या होगा कि वैकेंसी खाली होगी। तो जो भी सीनियर मोस्ट लोको पायलट है उन लोगों को प्रमोशन देना होगा, और नीचे वाले जो हम लोग हैं उन हम लोगों को भी एज अ प्रमोशन ऊपर भेजना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नीचे वाला वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो इसके चलते क्या होगा कि हर बोर्ड में काफ़ी अच्छा वैकेंसी खाली हो जाएगा, उस हिसाब से उन लोगों को काफ़ी अच्छा वैकेंसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2014 और 2018 में काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया था, 20,000 प्लस वैकेंसी आई थी। तो आप लोग अच्छे से मतलब सोचे कि वैकेंसी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, और आप लोग सेल्फ मोटिवेट रहिए, क्योंकि वैकेंसी अगर आएगा और अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो आप अपना कोशिश अभी से तैयारी करते रहिए, पूरा एकदम 100% एफर्ट लगाइए, आपको ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे इस वाली वैकेंसी में। और तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एलपी का कैरियर ग्रोथ कहाँ तक हो सकता है। अगर आप रेलवे में एलपी एज एन एलपी मतलब ज्वाइन करते हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एज एन एलपी ट्रेनी ज्वाइन करेंगे जब आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जिस भी आरआरबी बोर्ड से आप फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा कि आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के। उसके बाद ट्रेनिंग में आपको 27,000 to 28,000 आपको मिनिमम सैलरी इतना दिया जाएगा, इसको सैलरी नहीं स्टाइफेंड बोलेंगे। उसके बाद जब आप मतलब एलपी का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर उस डिवीज़न में आपका एक लोबी होता है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, जहाँ पे क्रू चेंजिंग पॉइंट जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। और वहाँ पे आपका जो सीटी है, जैसे ABC CT करके होता है, तो आपका सपोज सिटी आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा आपको 27% HRA मिलेगा, तो उसके वजह से आपका सैलरी क्या होगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको एज एन एलपी आपको देखने को मिल सकता है 45 to 55K तक देखने मिल सकता है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में था पहले, तो दिल्ली में काफ़ी अच्छा सैलरी बनता था, क्योंकि वहाँ 27% HRA था, तो वहाँ पे आपका 55 to 60,000 भी देखने को मिलता था कभी कभी सैलरी मेरे फ्रेंड लोग के। तो आप सोच सकते हैं कि आप इनिशियल में अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको इतना सैलरी मिलेगा। तो ये आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन से सिटी में आपका पोस्टिंग हो रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, और इसमें वेरिएशन हो सकता है आपके सिटी के ऊपर, आप जहाँ पर पोस्टिंग हो रहे हैं उसके हिसाब से।
तो आप एज एन एएलपी, तो फ्रेंड्स आप एएलपी बनने के बाद आपका एज पर वैकेंसी, आपका जहाँ जहाँ वैकेंसी निकलेगी आपका एज ए सीनियर एएलपी आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो इसमें 2 या 3 इयर्स टाइम लग जाता है, तो आप समझिए कि 2 या 3 इयर्स के बाद आप एज ए सीनियर एएलपी काम करेंगे और इसमें आपका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा, जिसके चलते आपका बेसिक मतलब कुछ इंक्रीमेंट हो जाएगा बेसिक में, और इसके चलते आपका सैलरी कम से कम मतलब अगर आप मेल वगैरह में काम करने लगेंगे तो आपको कम से कम सैलरी 72-75,000 तक आपको देखने को मिलेगा। तो सैलरी काफ़ी अच्छा है और एज अ सीनियर एएलपी आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा मेल में काम करते करते। तो इसमें काफ़ी अच्छा आपका कैरियर ग्रोथ है और सैलरी भी अच्छा मिलने लगेगा, लेकिन आपका एक कंडीशन है कि आपका कहाँ पे पोस्टिंग होता है। सपोज़ आप कोचिंग, जैसे जो गाड़ियाँ चलती है उसको कोचिंग बोला जाता है हम लोग में, तो कोचिंग में, कोचिंग लॉबी में अगर आपका ट्रांसफ़र मतलब लॉबी में हो जाता है, मतलब वहाँ पे पोस्टिंग हो जाता है, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सीनियर एएलपी बनने के बाद आपको मौका मिलेगा मतलब मेल वगैरह में काम करने का, सारे पैसेंजर मेल सब में काम कर सकते हैं आप, तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो यही सेकेंड स्टेप है, मतलब आपका सेकेंड प्रमोशन एज अ सीनियर एएलपी होगा। उसके बाद आपका थर्ड प्रमोशन होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा मतलब इसको प्रमोशन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका लोको पायलट एज अ सेंटर आप काम करेंगे। सेंटर मीन्स होता है कि आप कोई भी गाड़ी, सपोज़ कि आपको पैसेंजर कहीं कोई स्टेशन में स्टेबल हो गया है, और उसका क्या होता है कि सुबह में या जब उसका टाइमिंग होता है तो उसमें क्या होता है इंजन मतलब जो पावर की ज़रूरत होती है, तो उसको क्या करते हैं लोको पायलट सेंटर उसको पूरे अच्छे से चेक करते हैं और सेट से निकाल करके ला के उस ट्रेन में लगा देते हैं। तो उनका यही मेनली काम रहता है और उनका शिफ्ट वाइज काम रहता है, जैसे सपोज़ 8 घंटे उनको काम करना है और एक पर्टिकुलर आपका स्टेशन में आपको पोस्टिंग कर दिया जाएगा कि आपको वहाँ से कहीं और बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर स्टेशन में 8 घंटे काम करेंगे और सीधा अपने घर जाएँगे। तो ये आपका जो ड्यूरेशन रहता है एज अ सीनियर एएलपी मतलब एज अ लोको पायलट सेंटर, आपका कम से कम 2-3 इयर्स आपको एज अ लोको पायलट सेंटर काम करना पड़ेगा। तो इसमें आप बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाएंगे और इसमें भी आपको सैलरी कम से कम आपको 75-80,000 तक देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि लोको पायलट सेंटर के बाद आप सीधा प्रमोशन लेंगे लोको एज अ लोको पायलट, जो कि सब जानते हैं कि लोको पायलट मतलब आपका पावर के पूरा इंचार्ज होते हैं, वही सारे पावर को मतलब लेकर के जाते हैं यहाँ से वहाँ, और लोको पायलट ही लोको पायलट के साथ ही हम लोग अभी ड्यूटी करते हैं। तो लोको पायलट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मतलब पोस्ट आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि लोको पायलट एज अ गुड्स आप एज अपॉइंट करेंगे पहले, उसके बाद लोको पायलट सेंटर के बाद आपको लोको पायलट गुड्स में प्रमोशन दिया जाएगा। तो गुड्स में आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन कम से कम आपको 10 इयर्स to 12 या 15 इयर्स तक भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका लॉबी कोचिंग वाला रहेगा तो आपको एज पर वैकेंसी अगर कभी निकलेगा 15 इयर्स के बाद या 12 इयर्स या 13-14 इयर्स के बाद, तो आपको एज अ लोको पायलट पैसेंजर उसके बाद प्रमोशन दे दिया जाएगा। और एलपीजी का जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे में आपका एज अ प्रमोशन हो जाता है। तो इसके चलते आपको सैलरी कम से कम 92-1 लाख भी देखा जा सकता है, मतलब आफ्टर 2-3 इयर्स के बाद 1 लाख प्लस वैकेंसी हो जाएगा 3 या 4 इयर्स के बाद या 5 इयर्स मैक्स टू मैक्स, तो इसमें भी सैलरी अच्छा मिलेगा आपको। और उसके बाद लोको पायलट गुड्स के बाद आपका आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमोशन होता है लोको पायलट पैसेंजर। तो आप एज अ लोको पायलट पैसेंजर में क्या हुआ कि आपको एक पैसेंजर में चलाने का मौका मिलेगा और आपका एक शेड्यूल हो जाएगा कि आपको एक गाड़ी लेकर के जाना है और एक गाड़ी लेकर के आना है। तो आपका एक आपको पहले से 24 आवर्स पहले से बता दिया जाता है कि ये आपको ट्रेन लेकर के जाना है और यही ट्रेन लेकर के आना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक शेड्यूल वे में ड्यूटी होगा और इसमें आपको कम से कम 5-6 या 7 इयर्स या फिर आपका रिटायरमेंट तक भी आप इसमें काम कर सकते हैं अगर वैकेंसी नहीं आई तो। और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, कम से कम आपको 1.5 लाख तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है लोको पायलट मेल, ये सबसे अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों को
इस पोस्ट के लिए प्रमोशन दिया जाता है, क्योंकि इसमें साइको होता है फिर से, और इसमें अब क्या होता है कि राजधानी सारे प्रीमियम ट्रेन आपको चलाने का मौका मिलता है। तो लोको पायलट मेल में आपको कम से कम सैलरी 1.5 से 2.2 लाख तक देखने को मिल सकता है, जो भी राजधानी का ड्राइवर है ना आपको देखने को मिल सकता है सैलरी 1.5 से 2 लाख तक। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोको पायलट मेल में जब प्रमोशन लेने के बाद कलेक्टर के पोस्ट में भी आप जा सकते हैं, अगर आपको लोको पायलट मेल में नहीं जाना है। और जैसे एलपीजी बनने के बाद भी आप इस पोस्ट में जा सकते हैं, आपको अगर नॉलेज अच्छा है और एग्ज़ाम होता है तो आप लोको पायलट इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि लोको पायलट इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन जो होता है वो चीफ लोको इंस्पेक्टर होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है और ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि लोको पायलट लोको इंस्पेक्टर में आपको सैलरी कम से कम यही 1.5 से 2 लाख तक के बीच देखने को मिल सकता है, और लोको पायलट मतलब चीफ लोको इंस्पेक्टर का भी सैलरी कम से कम इतने ही बीच में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद CLI बनने के बाद आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, जो कि बहुत लोग कम ही लोग उस पोस्ट में जा सकते हैं, मतलब ये पोस्ट होता है आपका ग्रुप बी ऑफिसर का, जिसमें आप AE बन सकते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके ऊपर मतलब आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा है और आप एग्ज़ाम इजली निकाल लेते हैं, तो आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि आप AE तक ग्रुप बी ऑफिसर तक जा सकते हैं, और अगर आपका नॉलेज और भी अच्छा है और आप निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर आप सीनियर DE भी बन सकते हैं, तो आप एक ग्रुप बी ऑफिसर तक जा सकते हैं। और ALP बनने के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन रहता है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके कोई अदर पोस्ट में भी जा सकते हैं। तो आपका समझिए कि कैरियर ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है कि आपका अनशेड्यूल्ड ड्यूटी है थोड़ा, और आपको उसके हिसाब से सारा अपने लाइफ में आपने के चेंजेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई टाइम नहीं है, आपको रात को 12 बजे से कभी भी उठाया जा सकता है अगर आपका नंबर आ गया तो। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी आपको डाउट होता है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा चैनल जल्दी 1K सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए दूँगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।